औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुलाम रसूल। एक इस वीडियो के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्यों? इस वीडियो को लाने का मकसद क्या है? इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर चीज का एक हद होते हैं, हर चीज की एक इंतहा होते हैं, लेकिन हम मुसलमान भाइयों में एक ऐसे फिरके भी हैं जो अपने मुर्शिद को इतना उनको मुकाम देते हैं, इतना इनको मुकाम देते हैं कि जब वो बीमार की वजह से मदरसे में पढ़ाने न जा सका तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शक्ल में आकर मदरसे के बच्चों को पढ़ाते थे। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और इस कहानी की सदाकत किस हद तक है, इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमें बताएगा। लिहाजा कहें मत जाएं, वीडियो को देखें और अपने राय का इजहार जरूर करें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बयान को लेकर और इस कहानी को लेकर। बिला टेम ताखिर वीडियो की जानिब जाते हैं। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अमूल सरजमीन है कहानी कि शाये आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। गुजरात को मिला है। और गुजरात में एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाहे आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को तरस दे रहा है शाहे आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दर्सगाह में पहुंचे यानी क्लास रूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो, तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाहे आलम पूछते बेटा मैंने तो यहां तक पढ़ाया था, ये आगे कहां तुम पहुंचे? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाहे आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाहे आलम कहते बेटा मैंने यहां तक पढ़ाया था, वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने ना गना किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाहे आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था? तब तक रहमत दो जहां ने इशारा दिया, ए शाहे आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और सुनो ये आला हजरत इस वाक्य को लिखते हैं। और दोस्तों जब शाहे आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाहे आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो, जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं, आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला? ये शाहे आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाहे आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाहे आलम है कि रसूले दो आलम है। पता क्या चला? शाहे आलम हम सभी है, सरकारे दो आलम है। गुजरात की धरती को एजाज हासिल है कि जहां हुजूर ने खुद आकर के दर्श दिया। लेकिन यहां पे ब्रेवियों के बंदी आपको क्या कहानी करवा रहे हैं? वो कहते हैं कि जी वो फजाले हाज में शेख ज़करिया कादरवी ने लिखा है और फजाने सुन्नत में इलियास कादरी साहब ने, दोनों भारी फिरके ब्रेवियों के बंदी लिखते हैं कि जी 555 हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के 550 साल बाद शेख अहमद रफाई जब कब्र रसूल पे हाजिर हुए और आगे वहां नातिया शार पड़े और कहा या रसूल अल्लाह मैं इतनी दूर मिस्र से आया हूं, आप अपना मुबारक हाथ कब्र से निकालें, मैं ज़ियारत करना चाहता हूं, बोसा देना चाहता हूं। 90,000 लोगों की मौजूदगी में कहते हैं कब्र रसूल से हाथ बाहर निकला और उन्होंने उनको बोसा दिया और कहते हैं उन 90,000 लोगों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है। पहले तो मुझे बताएं अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ क्यों नहीं चूमा? इतनी गुस्ताखी के अल्लाह के नबी का हाथ निकले कब्र से, मेरे सामने निकल रहा हो तो मैं तो बदबख्त हूं कि मैं ये मंजर देख रहा हूं और वो शेख अहमद रफाई अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है, मुरीद के लिए हाथ निकल रहा है और पीर महरूम है। किटी वटी कहानी है।
इन्हां दे अब्दुल कादर जिलानी दा नां तां पाया सी कि बरेलवी डर के ना क्योंकि 11वीं दे अंदर मान लैणगे इस वाक्य नूं। और दूसरा झूठ है कि 555 हिजरी च 90,000 दा मजमा मस्जिद नबवी च आंदा ही नहीं सी। 90,000 का मजमा तो आज से 100 साल पहले भी नहीं आता था और आप लोग 1,000 साल पहले बता रहे हैं मस्जिद ही छोटी सी थी। कहानी है, सही बात, बिल्कुल कहानी। और इस तरह की कहानी उन्होंने मशहूर कर दी और हजरत उमर का मैंने आपको कीदा बता दिया। और ये कहानी फिर यहां खत्म नहीं हुई सर। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में इन्होंने नबी इस्लाम के बारे में लिखा कि हम हुजूर को अपनी कब्र के अंदर हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ मांगते हैं, दुनियावी जिंदगी, हालांकि वो आखिरत की है। अल्लाह तो शहीद के बारे में कह रहा है वला किल्ला तशऊरून, शहीद जिंदा है लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। ये कहते हैं नबी इस्लाम की दुनियावी है। सर दुनियावी है तो फिर सांस, टॉयलेट, खाना पीना किधर गया? और आला हजरत तो एक स्टेप आगे गए हैं ना जी मलफूजात में, उन्होंने कहा कि ये इतनी हकीकी इसी दुनियावी है कि कब्र में, कब्रों में अंबिया पे बीवियां उनकी अजवाजे मुतहरात पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी फरमाते हैं। ये कहते हैं इसमें कौन सी गुस्ताखी है, अपनी बीवी के साथ ही सोबत कर रहे हैं। गुस्ताखी है कि आपने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है और मौला अली से ये हदीस मुस्लिम की पहली हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। ये किस जगह लिखा हुआ है कि रसूल सल्लम की कब्र मुबारक में ये सब कुछ हो रहा है? मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात के अंदर भी। अम्मा आयशा कहती हैं जब से उमर यहां दफन हुए मैं तो पर्दे के बगैर कब्र के पास नहीं जाती हूं। उस सईद आयशा के सामने कोई ये कहे ना कि इस कब्र के अंदर बीवियां पेश हो रही हैं तो आगे आप देख लें। और हाथ निकलवा रहे हैं, ये हाथ सईदा फातिमा के लिए कभी नहीं निकला, ये हाथ हजरत आयशा के लिए कभी नहीं निकला, ये जंगे जमल सिफीन नहरमान को रुकमाने उसको मैनेज करने के लिए कभी नहीं निकला, वो ज्यादा हकदार थे। और सबसे बढ़कर ये कहते हैं कब्र रसूल पे जाके मांगना और फैसला कराना, ये कुरान में है, बोलो अन्नहुम इज़लमु अनफुसहुम जाऊ का, इनसे कहें कि कब्र रसूल पे अगर ये फैसला करवाना था सबसे जरूरी फैसला तो साहबा ने करवाया नहीं है, जिसकी वजह से उम्मत आज तक दो टुकड़े हैं। सकीफा बनी साइदा, हजरत अली ने बुखारी मुस्लिम में आता है 6 महीने तक अबू बकर की बैत नहीं की है, तो किसी के दिमाग में वसवसा भी नहीं आया कि चले हम जाके कब्र रसूल से फैसला करवा लेते हैं। अभी मैयत मुबारक भी 2 दिन तक बाहर थी, बाहर से ही फैसला करवा लेते हैं। फदक का इशू आया बुखारी मुस्लिम में आता है सईदा फातिमा का, कहीं हजरत अबू बकर ने उनको मशवरा नहीं दिया आगे कब्र रसूल से जाके फैसला करवाते हैं, बाद में अहमद रफाई ने तो करवाना ही है, ठीक है करवाना चाहिए था ना। ये कहते हैं कि आज की डेट में भी आपने हाकिम मानना है, तो आज की डेट में अगर हाकिम मानना है तो चीफ जस्टिस मदीने का हजरत उमर ने हजरत अली को क्यों लगाया? मदीने शरीफ के फैसले तो कब्र रसूल पे होने चाहिए थे ना। हाय हाय कैसी पकी है। चलो रोमन और पर्शियन अंपायर थे ठीक है, और रोमन अंपायर देते इब्ने मसूद ने ला छड़ा अबू दरदा को और पर्शियन अंपायर पे इब्ने मसूद को, मदीने में चीफ जस्टिस क्यों लगाया हजरत अली को? कब्र रसूल से फैसले होते ना, यही कह के जी ये आपको फैसलों में हाकिम ना मान ले तो ये खुद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं कम्युनिकेशन नहीं आज हो सकती। तो अगर आप खुद भी नहीं इस कम्युनिकेशन को मानने के लिए तैयार, और उल्टा जो बंदा आपको समझाता है कहते हैं गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे हैं। और सहाबा इकराम तो हुजूर की जिंदगी में यकीदा नहीं रखते थे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है 70 सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया गया, जिनमें आसिम बिन साबित अंसारी थे। जब वो मरने लगे, शहीद होने लगे, तो उन्होंने कहा ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना, हम तुझसे राजी हैं और तू हमसे राजी, इस हाल में हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। और बुखारी के अल्फाज हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके हुजूर को बताया कि आपके साथियों को यूं कत्ल कर दिया गया है, और उन्होंने मरते मरते ये आप तक पैगाम पहुंचाया। उन्होंने हजरत जिब्राइल को भी नहीं कहा, अल्लाह को कहा, और अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जब हुजूर दुनिया में मौजूद थे तो सहाबा ये नहीं कहते थे वला अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, तो या रसूलल्लाह हुजूर हाल आना, नहीं जब सामने होंगे फिर आप करेंगे। कहते हैं जी बुखारी में हदीस है एक सहाबी की पिंडली टूट गई, हुजूर के पास आया तो आपने हाथ फेरा। यार मुर्ज़ात को आप बाद की जिंदगी के साथ कैसे कर रहे हो? और अगर आप ये मानते हो तो ठीक है अपनी पिंडली फिर तैयार हो तोड़वाने के लिए। जनाब करोड़ों लोग अगर अकीदा ठीक करने के लिए किसी आशिक रसूल को अपनी पिंडली तोड़वा के कब्र रसूल पे जाकर ठीक करवानी पड़ती है तो आ जाओ। ये जब बात करेंगे ना तो कहेंगे जी फिर आप काबे चले जाओ, अल्लाह से करवा लो, भाई अल्लाह को तो दावा ही कहीं नहीं है, अल्लाह ने दुनिया इसबाब के साथ जोड़ी है। जी नाजरीन आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? हम इस वीडियो को देखकर थोड़ा मुतासिर भी हुआ और थोड़ा सा कंफ्यूजन का भी शिकार हो गया। हुजूर गौज़ पाक के दर्जात बुलंद होंगे, वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल होंगे, वो अल्लाह के वलियुल्लाह होंगे, वो अल्लाह के दोस्त होंगे, बरगिज़ा बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनको इतनी मुकाम देना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शक्ल में आकर बच्चों को पढ़ाते थे, ये किस किस्म की कहानियां सुना रहे हो? इससे हमें यह सवाल मिलते हैं कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे पाक के दर्जात तकरीबन इक्वल हैं। करबला में शहीद होने वाले हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 नुफूस, उनके अहले बैत को असीर करके
करबला से शाम शाम से मुख्तलिफ मकामात से होकर यजीद के दरबार तक लेकर गए। उनके मुकाम से कई गुना गौस पाक के मुकाम बुलंद है। उनके यही कंसेप्ट हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपनी जानशीन मुकरर कर दें। हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपनी जानशीन मुकरर कर दिया हुजूर पाक ने, लेकिन गौसे पाक की बुलंद दर्जात उनसे भी बुलंद हैं। क्यों? गौसे पाक बीमार हो जाते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक की शक्ल में बच्चों को मदरसे पढ़ाने आते थे। ये कहां तक, किस हद तक दुरुस्त है आप लोग को जरूर बताएगा, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन हूं, मैं कन्फ्यूज हुआ हूं। हम इंजीनियर को, हम में से बहुत सारे लोग इंजीनियर को जरूर गालम गलौज देते हो, हम में से बहुत सारे लोग इंजीनियर के हक में कदीदा भी पढ़ते हो, लेकिन जो लोग अपनी मैयार पर न उतरे इंजीनियर साहब, उनको गाली देते हैं। लेकिन जो लोग, ऐसे लोग भी हैं जो हक की तलाश में है, जो हक को सुनने की कोशिश करते हैं, हक को बयान करने की कोशिश करते हैं, भले हमारे खिलाफ हो या हमारे हक में हो, वो लोग इंजीनियर को सलाम पेश करते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ पर कई तरक़े हैं, कई ऐसे यानी तरक़े से हमारी बयानात को ऊंच नीच करके हमें जलील व बदनाम कर सकते हैं, लेकिन डट कर रहना यानी हक की मिशन को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी काम है। आप इस वीडियो की शुरू की जो कहानी है, आप किस हद तक जो है ना यानी उनकी बात को सदाकत सच मानते हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात को भी। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में हमने वीडियो देखा जिसमें मौलाना साहब गौस पाक की दर्जात को इतनी बुलंद कर रहे थे, वो मदरसे के बच्चों को बीमारी की वजह से पढ़ाने के लिए न जा सका, तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शक्ल में आकर बच्चों को पढ़ाते थे। वो तंदुरुस्त हो गया, मदरसे दोबारा से जाने लगा, तो बच्चों को कल का सबक पढ़ने का हुक्म दे, तो बच्चे जो है ना 2-3-4-5 दिन के सबक पढ़ रहा था आगे के। वो हैरान हो गया, बच्चों से पूछने लगा, बच्चे मैंने यहाँ तक पढ़ा था लेकिन 4-5 पेज आप आगे पढ़ रहे हो। तो बच्चों ने जवाब दिया, आप रोजाना आकर हमें पढ़ा के जाते थे। तो बहुत पाक ताजुब हो गए, फिर इन्हें पता चल गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शक्ल में आकर बच्चों को पढ़ाते थे। फिर हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की भी तकरीर सुने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब यही फरमा रहे थे कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल मुशाबिहत रखते थे, मिलते जुलते थे, उनसे बढ़कर किसी की भी शक्ल हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से मिलते जुलते नहीं थे। लिहाजा सच सुनना, सच बोलना, सच की तबलीग करना हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के दौरान कई मुश्किल उठाना पड़ा, लेकिन सच को
कभी हाथ से जाना नहीं दिया। लिहाजा इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।